नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आगरा में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। आपको बता दें कि आरोपी 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से पहचान छुपा कर रह रहा था, जिसे अब यूपी पुलिस ने तगड़े एक्शन के साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आगरा में 1 लाख रुपए के बदमाश शिवम सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस और एसटीएफ उसे हत्या और किसान बाबू सिंह आत्महत्या प्रकरण में नामी बदमाश की तलाश कर रही थी। बता दें कि यूपी पुलिस की तलाशी अब खत्म हो गई है। अब इनामी बदमाश को बाह इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पहचान छिपा कर फरारी काट रहा था। हाल ही में उस पर इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई थी। मैनपुरी के मकरंदपुर निवासी शिवम सिंह की मां सुवन देवी वर्ष 2010 में करहल से जिला पंचायत सदस्य थी। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर थे। शिवम और प्रियरंजन में दोस्ती थी। दोनों ने कानपुर के चकेरी गाँव के किसान बाबू सिंह यादव की 6 बीघा जमीन का 7 करोड़ में सौदा किया और जमीन अपने नाम लिखवा ली, मगर बाबू सिंह को पैसे नहीं दिए। शिवम ने आशु दिवाकर से 3 चेक बाबू सिंह को दिए, मगर तीनों चेक से भुगतान नहीं हुआ। इससे आहत होकर किसान बाबू सिंह ने सितंबर 2022 में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बाबू सिंह आत्महत्या करने के पहले सुसाइड नोट लिखकर गए थे, जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों का जिक्र किया था। कानपुर पुलिस के साथ एसटीएफ शिवम की तलाश में जुटी थी। किसान बाबू सिंह यादव की पत्नी बिटान देवी ने सुसाइड नोट के आधार पर बीजेपी नेता रहे प्रियरंजन आशु दिवाकर, राहुल जैन, जितेंद्र यादव, मधुर पांडे, शिवम सिंह चौहान, बबलू यादव के खिलाफ चकेरी थाने में केस दर्ज कराया। सुसाइड नोट में किसान ने करोड़ों की जमीन को हड़पने का जिक्र किया था। पुलिस राहुल यादव और मधुर पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर और उसका ड्राइवर बबलू यादव अभी फरार है। आपको बता दें कि शिवम सिंह ने चकेरी के किसान की करोड़ों की जमीन को धोखाधड़ी से हड़प लिया था, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने उसके घर पर कुर्की के नोटिस भी चिपका दिए थे। बता दें कि इस नामी बदमाश को पकड़ने के लिए इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। अब जाकर योगी पुलिस ने इस नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।